प्यारे बहन भाई और मैं सामान ले आई हूँ जिस दुकान पे गई थी। नायका में रहते हैं अक्रम भाई, उन्होंने कुछ रकम भी 12 बजे का टाइम है। अम्मी आई हैं, अम्मी जी की कमर में हो रहा था दर्द, दवाई लेने के लिए आई हैं। तो अम्मी जी को हमने चाय वगैरह पिला दिया बना के। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम मेरी बेटी और मेरी बहनों, ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? आप ठीक हो बच्चे? हाँ जी अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। और आप सुनाए, आपकी तबीयत? तो बहुत तबीयत खराब है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी इधर गिटों में दर्द होता है। हाँ जी कमजोरी अम्मी जी होता है, बस क्या करें अब। हाँ जी वो कमजोरी की वजह से होता है, बहुत ना झुलझुला किया जाती है बहुत ही। हाँ जी वो इसीलिए ना वो ना कमजोरी हो रही है। तो आप दवाई ले आए, मैं अहमद अली को करती हूँ फोन। तो फिर अहमद अली से पूछती हूँ, अगर मोटरसाइकिल उसके पास है ना फिर वो आपको ना ले जाएगा हॉस्पिटल। चलो फिर ठीक है, चाय पी ली आपने? चाय पी ली है? हाँ जी पी ली है चाय, चलो भी खा ली है चाय भी पी ली। हाँ जी वो ना जब आप आए ना मुझे ना वीडियो बनाने की याद नहीं रही, जब आपने चाय पी ली फिर मैंने बना लिया। चलो कोई बात नहीं, बनाई बन जाएगी। हाँ जी चलो ठीक है। दोपहर का टाइम हो गया और मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बाजार कुछ सामान लेना है। और अली हसन को मैंने तैयार किया, अली हसन मेरे साथ जाएगा बाजार। चलते हैं देखते हैं बाजार जाके हमने कौन सा सामान लेना है, वो हम अपने बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। ठीक है अली हसन? जिस दुकान पे हमने आना था हम दुकान पे आ गए हैं, हमने सामान भी ले लिया जो हमने सामान लेना था। और इस भाई की बहुत अच्छी दुकान है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती हैं। भाई क्या नाम है दुकान का? अजीबा कराकरी नाम है। क्या कराकरी? अजीबा कराकरी, अजीबा कराकरी चौक सावा लग गया। और जिस बच्चे के लिए हमने ये सामान लिया, अब चलते हैं उधर और उधर जाके हम अपने बहन भाई को दिखाते हैं हमने क्या सामान लिया और वो सामान हमने पैक करवा लिया। छोटे प्यारे बहन भाई और मैं सामान ले आई हूँ जिस दुकान पे मैं गई थी, उधर से हमने ये सामान ले लिया। और अमेरिका में अक्रम भाई रहते हैं, उन्होंने कुछ रकम भेजी थी, जो उनसे उन्होंने रकम भेजी थी उन रकम के हम ये ले आए हैं बर्तन। अभी बहुत सारे बर्तन रह रहे हैं, अभी बर्तन भी रह रहे हैं, काफ़ी सारा सामान भी रह रहा है। जैसा कि आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों के बिस्तर वगैरह की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तो हमने यही बर्तन लिया है, अभी इसमें बहुत जो बर्तन है वो कमी बेशी है बर्तनों की। और जौन से हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, और जिस बहन भाई ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहे, तो हमारे जो स्क्रीन पे जो नंबर चलते हैं आप उस नंबर पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। बहन भाई हम जहाँ पे आए हैं तो वो जो आंटी हैं वो ये काम करती हैं, अभी हम जब आए थे आंटी वो काम कर रही थी तो अंदर हम भी लेके गए हैं। और इधर माशाल्लाह बहुत प्यारे ये फुटियाँ लगी हुई है, फुटियाँ कपास जिसको कहते हैं, जिसकी ये रुई वगैरह बनती है ये वो। मैं जहाँ पे गई थी सामान देने के लिए मैं उधर से आ गई हूँ फातिमा सिस्टर के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं भी ठीक है। तो बहुत दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों बाद मुलाकात है, बस हर कोई अपने काम में मसरूफ रहते हैं, टाइम ही नहीं लगता। हाँ जी टाइम ही नहीं लगता। और मैं जहाँ पे सामान देने गई थी वापसी पे मैं आ रही थी, अली हसन ने मुझे बाइक पे से नीचे गिरा, मेरे बाजू में से भी खून आ रहा है और ठोड़ी पे से भी खून आ रहा है। मैंने कहा आराम से चला लिया करो बस। हाँ जी उसमें आ रहा था ना वो पान खाता पा, रहा था, तो थूकने लगा तो मैं गिर गई, गोड़े पे भी चोट लग गया, बस जो अल्लाह ताला ने ना बचा दिया मुझे। और इधर जो मैविश बेटी है, मैविश बेटी लकड़ियाँ तोड़ रही है, किसके लिए तोड़ रही है? हाँ जी मैंने शुक्रा सिस्टर के पास सुबह फोन किया था, मैंने कहा था वो जो आपने खाना वगैरह बनाना है ना तो वो आप ना टाइम से कर लेना तो मैं आऊंगी वीडियो बनाने के लिए। तो फिर शुक्रा सिस्टर ने कहा भाई हम तो उधर फूफो के घर गए हैं। हाँ जी वो तो सुबह के गए हैं। हाँ जी वो उधर गए हैं, उधर गए हैं। फिर आपने क्या बनाना? मैंने अभी लेके आएंगे आपके भाई। हाँ जी हम आ रहे थे ना, हमने रास्ते में देखा भाई को जाते हुए। फिर आएंगे वो तुम अपनी लकड़ी बना के रखो, आटा वगैरह गूंदो, रोटी बनाओ। तो चले फिर ठीक है अंदर चलते हैं, आप भी से पानी पुनी लेके ना कुल्ली वगैरह करती हूँ दांतों से भी मेरा खून आ रहा है। कैया सिस्टर इधर गूंद रही हैं आटा। अस्सलाम वालेकुम आपकी जी। हाँ जी ठीक, और आपकी तबीयत कैसी है? तो आपने लगाया ही नहीं घर चक्कर? बस अभी लगाना था चक्कर। देखा आपने तो नहीं लगाया चक्कर, मुझे आपकी याद आई है, मैं तो आ गई हूँ आपके पास। मैं तो कितने दिनों के मैं कह रही थी भाई मैं उधर जाऊं, उधर की वे ना भाई आपकी सुग्रा सिस्टर की मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, फिर पैदल आना होता था, अली हसन घर था तो मैं फिर अली हसन को लेके आई हूँ। तो बहुत अच्छा किया, चलो आगे टाइम पास भी हो गए साथ के साथ भी लोग। हाँ जी क्योंकि हमने ना आज वो रेसिपी नहीं ना बनानी थी, सालन हमारा रखा हुआ था रात का,
तो फिर मैंने जारा को कहा, जारा कह रही थी शुक्रिया बाद में आटा गूंथ के ना तभी पे रोटी बना लेती हूँ, आप चले जाओ उधर के ना वीडियो बना के ले आओ। तो आज रेसिपी वगैरह नहीं आपने बनानी और ये तो ताजा घी लेते हम तो सौदे इकट्ठे ले लेते हैं। अच्छा, और आपने आप ही साग बड़ा मजे का बनाया हुआ था। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था, मैं जारा की बातों में लग रही थी, बच्चे थे, मैंने तो बना के बस अभी बैठी थी लेटी थी जब जारा अच्छा। तो ये रोटियां बना रहे थे। तो अब खत्म हो गया साग? हाँ, पड़ा है थोड़ा सा, तो वही करेंगे आप? हाँ जी, थोड़ा सा पड़ा है, बाकी वो चिकन डाल रहे हैं उसके। अच्छा, चिकन डालना है, फिर से बनाना है साग को? अच्छा, अभी बनाना है। हाँ जी, चलें फिर, ठीक है। चलें फिर, आप जल्दी जल्दी जो रेसिपी बनानी है ना आप वो करें इंतजाम। चलो मैं ना फिर ब्लॉग बना के जाऊंगी। इधर कई ऐसी इसने, ये लकड़ी है? नहीं, लकड़ी नहीं, ये मकई है, ये छलनी भी इससे लगती है। हाँ जी, ये वो चीज बच्चे में तोड़ के रखी हुई है, इससे रोटी बन जाती है जल्दी। अच्छा, जल्दी रोटी बन जाती है। अच्छा, लकड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करते आप? लकड़ी भी करते हैं, सालन वगैरह बना लेते हैं जी, जो है तभी तो रोटी जल्दी बन जाती है। अच्छा, इकट्ठी कर लेते हैं। हाँ जी करें फिर। मैंने ना फिर टाइम से ना, मैंने कोई सिस्टर घर भी जाना, मैं फातिमा सिस्टर को भी कहा अभी आपने जो करना है जल्दी से कर लो, मैं फिर ना वीडियो बना के ना नानी भी घी आ जाएगी ना, तो मैंने किस पहले पहले रोटी बना रही थी उसके बाद। हाँ जी, और ना मैं प्यारे बहन भाई सुबह से ना आज इधर सूरज नहीं निकला और ये देखें चारों तरफ, और ये ना ये कोई सिस्टर धुंध तो नहीं है, ये स्मोग है, है ना? सुबह की है, अब रात की बारिश बताई है ना। अच्छा, देखे रात को हो या सुबह, कोई पता नहीं वाला कल। हाँ जी, ये स्मोग है, ये ना इससे बीमारियां वगैरह लगती हैं। चले अल्लाह मियां बारिश दे, अपनी रहमत की दे, क्योंकि अब ये बारिश आएगी और सर्दी लेके आएगी। चले ठीक है सिस्टर, इधर पानी छिड़क लिया पूरे सेन में, और मैं भी बेटी उधर खड़ी है, और फातिमा सिस्टर झाड़ू दे रही हैं। तो फातिमा सिस्टर कह रही हैं जो मैंने सालन बनाना है उसमें अभी देर है, तो मैं ये सेन की सफाई करके ना फिर बनाऊंगी। और ना वो भाई रफीक गए हुए पकाने को लेने के लिए, वो इतने आएंगे, इतने में झाड़ू लगा लूंगी। हाँ, तो फिर इतने में तो आज आप देर से नहीं काम कर रहे? नहीं, मैं आज ना कपड़े धोए हैं तो देर हो गई, छोटे से दिन होते, आज मैं रजाई में लगे, रजाई बनाते रह गए ना। अच्छा, तो इसीलिए सीते रह गए, सारा वो जो ऊपर का छाड़ा था ना सारा ही उधड़ा हुआ था, सही बाजार से लेके आई हूँ ना, तो उसमें सिलाई मारी है, तो सारा दिन उसी में लग गया। आज ना मेरे पे वीडियो भी नहीं बनाई जा रही, मेरा मुंह दर्द कर रहा है। तो बस वो फिर मैं बस छोटी जो है वो काम पे जाती है, वो फिर घर जब मैं घर होती हूँ वो फिर काम करती नहीं, वो कहती है मैं करेगी, मैं उसकी वैसे तबीयत नहीं सही। चले ठीक है। और मैं भी बेटी, आपने बर्तन, बेटी आपने बर्तन धोने हैं? बर्तन हमने धोए, अम्मी ने धोने, आपने नहीं धोने? क्यों? मेरी कमर में वो दर्द हो रहा है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। अच्छा, चलें फिर ठीक है। मैं उधर देखती हूँ सुग्रा सिस्टर क्या कर रही है, तो उधर भी क्लिप बना के ना मैं फिर घर जाती हूँ, फिर मैंने ना एडिट वगैरह सारा कुछ करना है मैंने वीडियो का, फिर टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है, अपलोड भी देर से होती है उधर ना फिर। चलें ठीक है। कैया सिस्टर ने आलू गोभी काट ली है, तो कैया सिस्टर आलू गोभी आप बनाएंगे? हाँ जी, आलू गोभी बनाएंगे। कैसे पहले रोटी बना रही थी, फिर उसके बाद भी। हाँ जी, क्योंकि फिर उस साइड पे अंधेरा हो जाएगा ना। हाँ, रोटी वाली जगह पहले रोटी बना रही थी, वो बादल भी आए हुए हैं ना। हाँ जी, तो इसलिए कोई पता नहीं बारिश किस टाइम भी आ सकती है। चलें फिर ठीक है, आप ये करें, मैं देखती हूँ सुग्रा सिस्टर मुझे बुला रही है, वो क्या कहती है मुझे। सिस्टर के पास मैं आ गई हूँ, सुग्रा सिस्टर इधर धो रही है बर्तन। सुग्रा सिस्टर आप कहीं गए? हाँ जी, मैंने वो फूफो की तरफ गई हुई थी, पहले खाला की तरफ गए थे, तो वहाँ पे जरा टाइम लगे, खाला की तबीयत खराब थी, तो खाला को यानी कि मनीप के पापा ले गए थे अस्पताल, दवाई वगैरह लेके दिए, फिर वहाँ से फिर हम वहाँ के फिर पापा की तरफ गए हैं, तो भाभी आयशा की तबीयत खराब थी ना। अच्छा, अब ठीक है? तो अब तो बस अल्लाह से सुबह ठीक है, तो रोक रही थी पापा कहती भाई सुबह को चला जाना, मैंने कहा नहीं नहीं पप्पो मुझे जान, तो बस मैंने तबियत का पता करनी आई थी, और वैसे ही पप्पो को बड़ा तेज बुखार हो रहा था, बस लेटी हुई थी। हाँ जी, मैं भी ना उधर गई थी ना वो बच्ची का सामान बर्तन वगैरह देने के लिए, अक्रम भाई ने कोई कुछ रकम भेजी थी इनके लिए, तो वो सामान दे के आए हैं। अल्लाह ताला ने जो अक्रम भाई ने दिया उनका दिया हुआ कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अक्रम भाई को बहुत ज्यादा दे, जो इनके भी गरीबों के लिए करते हैं अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दे। हाँ जी, इनके जान में माल में हर चीज में अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाए, उनके लंबी जिंदगी दे। हाँ जी, चले फिर ठीक है, आप ये कर लें। और आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रही हूँ बैंगन, बैंगन की रेसिपी बना रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ। अच्छा, वो ना मैं भी रेसिपी वगैरह कहती थी ना, जो हमारे प्यारे बहन भाई है ना देखने वाले, वो कहते हैं आप रेसिपी ना का करें, आप सालन का करें। चलो फिर ठीक है, ओके जी, आज के बाद हम सालन ही कहेंगे। हाँ, जो बहन भाई को अच्छा लगता है ना कहेंगे जी, हम वही कहेंगे। चलें फिर ठीक है, आप ये करें, मैं घर जाती हूँ, मैं फिर वीडियो ना एडिट वगैरह करके मैंने फिर अपलोड वगैरह करना है सारा कुछ। भाई किधर है? भाई आपके घर है।
तबीयत ठीक है बस, आपको पता सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। ये आजकल आपको पता है ये मौसम ऐसा है ना, फिर आती सर्दी है तो फिर कोई ना कोई बीमार हो रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए बाजार भी मैं गई थी एलियसन के साथ गई थी। अच्छा, हाँ जी, चलें ठीक है, एलियसन बैठा, मैं फिर उसको कहती हूँ चलते हैं घर। मैं आ गई, एलियसन चलें घर, चलो घर चलते हैं, क्योंकि मेरा ना दर्द भी हो रहा है, मुँह से बोला भी नहीं जा रहा, ठोड़ी पे चोट लगी है ना, अनजान बन रहे हो, क्या हुआ घेर के मुझे कह रहे क्या हुआ। चलो घर चलते हैं, मैंने फिर वीडियो एडिट वगैरह करनी है। शाम का टाइम हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया और मैं फातिमा सिस्टर के पास आ गई हूँ। इधर ज़ारा बैठी हुई है और वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये थी जी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।